सत श्रीकाल जी, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं अराइवल 18P। स्वागत है आपका अराइवल 18P की एक और न्यू वीडियो में। आज हम स्वराज के मोस्ट सेलिंग ट्रैक्टर स्वराज 744 XT की जानकारी व इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वराज 744 XT 50 HP में भारतीय किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह आता है स्वराज की ओल्ड क्लासिक लुक्स के साथ। अगर इस ट्रैक्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो स्वराज 744 XT में दिया जाता है स्वराज का ही 50 HP 3478 cc DI 3 सिलेंडर वाटर कूलर डीजल इंजन, जो 2000 रेटेड RPM पर 50 HP की ताकत देता है। इसमें आपको बड़ा रेजिनेटर मिलता है। इसी के साथ इसमें आपको दिया जाता है ऑयल बाथ एयर क्लीनर। एयर क्लीनर के नीचे ही दो डीजल फिल्टर व वाटर सेपरेटर दिया जाता है। इसमें दिया गया है माइको बॉश का इनलाइन फ्यूल पंप। अगर इसके पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया जाता है। इसी के साथ इसमें आपको हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा दिया जाता है। इसमें दिए जाते हैं लिफ्ट व पावर स्टीयरिंग के लिए अलग अलग पंप। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें आपको स्लाइडी मैश व कॉन्स्टेंट मैश का कॉम्बिनेशन वाला सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स दिया जाता है, जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स स्पीड दी जाती है। इसी के साथ इसमें आपको डबल क्लच दिया जाता है, मतलब इसमें आपको PTO के लिए अलग से क्लच लीवर दिया जाता है। इसमें आपको मिलती है मल्टी डिस्क ऑयल इमर्स्ड ब्रेक। इसमें आपको 2 फुटरेस्ट भी दिए जाते हैं। PTO पावर की बात की जाए तो इसमें आपको 44 HP की PTO पावर 540 लाइव मल्टी विथ रिवर्स PTO स्पीड के साथ दी जाती है। इसमें आपको मिलता है 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको 1700 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी जाती है ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर के साथ। अगर इसके डैशबोर्ड की बात की जाए तो इसमें आपको ओल्ड टाइप मिट्री डिजाइन में ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट के लिए अलग से बॉक्स दिया जाता है। अगर इसके बैक हिस्से की बात की जाए तो इसमें आपको स्टेट एक्सल ही दिया जाता है। पीछे की तरफ 2 डिस्ट्रीब्यूटर वॉल भी दिए जाते हैं। इसी के साथ इसमें आपको दी जाती है इजी हिच। अगर इसके टायर साइज की बात की जाए तो इसमें आपको दिए जाते हैं 750/16 के फ्रंट टायर व 14/28 के रियर टायर। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसमें दिया जाता है 2070 किलोग्राम का टोटल वेट, 2096 mm का व्हील बेस दिया जाता है, 3342 mm की ओवरऑल लेंथ है इसकी, विड्थ इसकी 1945 mm है। 744 XT में दी जाती है 2 साल 2000 घंटे की वारंटी। अगर इसके अनुमानित प्राइस की बात की जाए तो यह मिलता है आपको 6,90,000 से 7,50,000 रुपये के आसपास। अगर आप इसका सही प्राइस जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कीमत जगह व मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। अंत में अगर हम इसकी कमियों के बारे में बात करें तो देखिए, स्वराज एक भरोसेमंद कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। स्वराज 744 XT में एक बहुत ही अच्छा इंजन दिया जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इस ट्रैक्टर में बहुत सारी कमियां भी हैं। 744 XT स्वराज का एक मोस्ट सेलिंग ट्रैक्टर है, इसलिए इसमें कई सालों से कंपनी द्वारा कोई भी चेंजिंग नहीं की जा रही है। चेंजिंग के नाम पर हर साल सिर्फ एक स्टार बढ़ा दिया जाता है। इसके डैशबोर्ड व प्लेटफॉर्म पर स्वराज को बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। इसमें हेडलैम्प के स्विच भी काफ़ी लो क्वालिटी के दिए जाते हैं। गियर लीवर भी सेंटर में ही दिए जाते हैं। स्वराज 744 XT में अब एक नए अपडेट की ज़रूरत है, ताकि यह अपने कॉम्पिटिटर ट्रैक्टरों से मुकाबला कर सके। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।